हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स पे। सो लास्ट वीक जो मैंने लेवल्स बताए थे और मार्केट की स्ट्रक्चर जो बताई थी, सारी वैलिड रही हैं। कुछ ने मार्केट स्ट्रक्चर को तोड़ा और कुछ ने सपोर्ट ओएसिस जो जायज़ है टूटना वो टूटे। तो एक बात है कि एक दो दिन पहले ही यूएस ने सीरिया पर अटैक कर दिया अननेसेसरली, ठीक है, जिससे गोल्ड को और बाकी अदर पेयर्स पे इफेक्ट पड़ा। सो इसने गोल्ड को पुश किया जो डेली और वीकली क्लोजिंग है, जिसको 2000 के अबव के लेवल पे क्लोजिंग करवा दी। क्या हो सकता है आने वाले वीक में हम लोग गोल्ड को, अगर 2 or 3 कैंडल्स डेली के क्लोज हो जाते हैं 2000 अबव के लेवल से, तो हम लोग गोल्ड को न्यू हाई बनाता हुआ देख सकते हैं फॉर श्योर। और जैसे कि मैंने बताया था नैसडैक ने सेम वही लेवल को फॉलो किया, 14180 को उसने टच किया और क्लोजिंग वहीं पे दिया और 14200 लेवल को सपोर्ट ले लिया और थोड़ा बहुत रिट्रेस किया था 14782 लेवल तक उसने रिट्रेस किया था और क्लोजिंग हमें दे दी 14180 जो लास्ट वीक मैंने जो लेवल बताया था उसी के अकॉर्डिंग। और यूएसडी जेपीवाई में कुछ खासा मूवमेंट रहा नहीं, 100 पिप्स की मूवमेंट आई है, बट यह है कि यूएसडी जेपीवाई में जापानीज येन अभी भी वीक ही है, स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। थोड़ा हम कह सकते हैं कि हाँ यूएस डॉलर वीक हुआ है बट येन अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई के लिए हमें अगर डाउनवर्ड देखना है तो बैंक ऑफ जापान का इंटरवेंशन रिक्वायर है। नेक्स्ट वीक बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट वीक है नेक्स्ट वीक क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। इंटरेस्ट रेट डिसीजन है फेड यूएस का और मल्टीपल न्यूज़ हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं या समझ लीजिए आप बना लेते हैं। सो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, फुल ऑफ न्यूज़ है। और मैं पहले कहता हूँ मार्केट को डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेड ना करें, लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करें। इस हफ्ते मतलब आने वाले वीक में चूज जॉब्स ओपनिंग, ADP एम्प्लॉयमेंट, PMI, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन फार्म पेरोल्स, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, ये कुछ 4 to 5 न्यूज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो ओवरऑल मंथली मार्केट कैसे मूव करेगी वो बताएंगी। सो इस पे नज़र रखिएगा, जब भी न्यूज़ आने वाली हो तो अपने ट्रेड्स क्लोज कर दीजिएगा। चलते हैं गोल्ड की तरफ, बाकी डिटेल में पेयर वाइज में बताते चलूँगा। तो ये रहा गोल्ड का चार्ट डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। मार्केट ने लास्ट वीक 2000 से अबव क्लोजिंग दिए, डेली कैंडल की भी क्लोजिंग 2000 से अबव आई है। अगर मार्केट 2 or 3 कैंडल डेली के 2000 से अबव बना लेती है तो हमारे पास 2020 और 2040 के लेवल्स खुल जाएंगे और मार्केट पॉसिबली मंडे को गैप अप और गैप डाउन किसी एक गैपिंग के साथ खुल सकती है। पॉसिबिलिटी जिसकी ज़्यादा है वो है गैप अप की, क्योंकि एंड टाइम में बुलिश न्यूज़ आई है। सो गैप अप ओपनिंग देख सकती है हमें। और नेक्स्ट वीक के जो लेवल्स हमारे वो 2020 और 2040 हैं रेजिस्टेंस हमारे। जो सपोर्ट लेवल होगा वो हमारा होगा पहले 1970 और उसके बाद फिर हमारे पास जो लेवल है वो होगा 1947। सो मार्केट नीचे जाने के लिए 1980 से नीचे क्लोजिंग अगर दे तो हमें नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं, बट फिलहाल मार्केट जो रेंज में है वो है 2040 से लेके 1970 का। लास्ट टू लास्ट वीक एक वीडियो में मैंने कहा था कि मार्केट हमें 2000 के अबव जाते हुए दिख सकती है और न्यू हाई बना सकती है, वो बात सच होने जा रही है और क्या पता कितने जल्द ही सच हो जाएगी कि हमें न्यू हाई मिल जाए। फिलहाल हमारे पास न्यू हाई 2071 लेवल, क्या पता हमें 2100 के पास गोल्ड दिखे आने वाले दिनों में। सो ये था गोल्ड के बारे में। तो ये रहा GBP USD का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। मार्केट अभी थोड़ी रेंज बाउंड में फंसी हुई है, 1.207 से लेके 1.232 लेवल तक एक रेंज बना के फंसी हुई है, प्लस लोअर हाईज और एक कांस्टेंट सपोर्ट बनाते हुए आगे बढ़ रही है। सो एक ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है जो एक बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक डाउन देती है 1.204 लेवल की तरफ ब्रेक डाउन देती है तो इस लेवल को रिटेस्ट करने अगर नीचे जाएगी तो हमारे पास 1.16 लेवल स्टिल अभी हमारे टारगेट में है। 1.20 1.18 बहुत एक अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। अगर ये भी ब्रीच हो जाएगा तो हम लोग 1.16 लेवल की ओर देखेंगे।
सो फिलहाल मार्केट का जो वीकली रेजिस्टेंस होगा वो स्टिल 1.23 ही रहेगा, और जो सपोर्ट है हमारा 1.20 ही रहेगा। 1.206 अगर ब्रीच होता है, ठीक है, अगर टूटता है, एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग नीचे आती है डेली की, देन उसके बाद हम लोग इसको नीचे जाता हुआ देखेंगे 1.19 की तरफ। तो ये था जीपी यूएसडी के बारे में। तो ये रहा क्रूड ऑयल का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है, हम लोग देख सकते हैं। मार्केट अभी फिलहाल 84.7 लेवल पे क्लोज हो रखी है। सो नेक्स्ट वीक अगर मार्केट 85.5 लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हम लोग 89 लेवल की ओर देख सकते हैं मार्केट को। और मार्केट अगर 89 के अबव भी क्लोजिंग देती है, तो हमारे पास 94 के लेवल आराम से ओपन हो जाएगा। सिमिलरली अगर डाउनवर्ड अगर देखना है, तो मार्केट का जो सपोर्ट होगा 82.34 लेवल पे होगा, सॉरी 82.182 पे लेवल पे होगा सपोर्ट। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है, तो ये गोल्डन एरिया मिल जाएगा क्रूड ऑयल को बाय करने का, क्योंकि यहाँ से फिबोनाची का गोल्डन एरिया आ रहा है। तो ये मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, और यहाँ पे पता चला 0.5 और 0.618 का जो गोल्डन एरिया जोन है वो यही है। सो अगर मार्केट यहाँ मिलती है, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें। 77.87 से लेके 82 का लेवल हमारा एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। और अगर वॉर एक्सकलेट होती है, तो हमें डबल थॉट नहीं आया कि मार्केट यहाँ इसको ब्रेक करेगी कि नहीं करेगी। ऑब्वियसली मार्केट सप्लाई और डिमांड का खेल है, जैसे ही डिमांड बढ़ेगी यहाँ पे प्राइस हमें बढ़ता हुआ दिख जाएगा, और हमें 94 के उससे ऊपर वाले लेवल भी दिख सकते हैं आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल के। तो ये रहा जीबीपी जेपीवाई का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। मार्केट इसमें भी देख सकते हैं कि रेंज बाउंड ही रही है। लास्ट डे में हमारे पास 100 पिप्स की मूवमेंट आ गई, क्योंकि येन थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ, जैसे कि हम यूएसडी जेपीवाई में भी देख सकते हैं और जेपी जेपीवाई में भी देख सकते हैं। मार्केट में अभी जेपीवाई की इंटरवेंशन नीड है। हर जगह स्पेकुलेशन यही चल रहा है कि मार्केट में नेक्स्ट वीक बीओजे इंटरवीन करेगा, और नेक्स्ट वीक वैसे भी जापान के इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। येन डॉलर के बाद दूसरा एक सेफ हेवन करेंसी है। सो अगर लोग डॉलर को छोड़ेंगे, तो येन को ही बाय करेंगे, बट डॉलर अभी वीक जब होगा, तभी येन को सब बाय करना स्टार्ट करेंगे। सो बाकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, ये सब जापान के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी कह रखा है कि लोग येन को बाय करके रखें, या आने वाले दिनों में येन उठ सकता है, मतलब येन को लोग बाय करेंगे, तो हमारे यूएसडी जेपीवाई या फिर जेपीवाई के जितने भी पेयर्स हैं वो नीचे जाते हुए देख सकते हैं, लाइक जेपी जेपीवाई और यूएसडी जेपीवाई। सो इट माइट पॉसिबल कि नेक्स्ट वीक जेपी जेपीवाई और यूएसडी जेपीवाई हमें नीचे जाते हुए दिखेंगे। और नेक्स्ट वीक अगर सेम वही, अगर हमारे 180 के नीचे क्लोजिंग आती है, तो हम लोग नीचे वाले लेवल्स को जरूर देखेंगे। वही हमारे पास 184 एक रेजिस्टेंस की तरह बना हुआ है। हमें हिसाब से इस रेजिस्टेंस को तोड़ना अब थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है, और मार्केट इस रेंज के अंदर फंसते जा रही है। एक ना एक जगह ब्रेकआउट मार्केट को देना ही होगा। सो ये था जीपी जेपीवाई के बारे में। तो ये रहा यूएसडी जेपीवाई का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। लास्ट फ्राइडे को मार्केट ने 80 पिप्स के मूवमेंट दिए, और उसके बाद मार्केट में अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, तो लास्ट टू लास्ट मंथ थर्सडे की जो कैंडल बनी है, वो एक डोजी बनाई गई है। सो एक प्राइस एक्शन में हमारे पास एक ये कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, इसमें अगर डोजी के बाद हमारे पास उसके लो को तोड़ता हुआ एक हमें कैंडल मिल जाता है, जो उसके नीचे क्लोजिंग दे दे उसके लो के नीचे, तो वहां से हम लोग एक सेल ट्रेड ले सकते हैं उसके थोड़े रिट्रेसमेंट पे। सो मार्केट ने पहला डोजी फॉर्म किया और दूसरा कंफर्मेशन हमें एक दे दिया, तो हम लोग जो सेल ले सकते हैं वो 150 से लेके 149.8 के लेवल के बीच में से हम लोग एक सेल ट्रेड ले सकते हैं, अगर ये वैलिड डोजी है तो। बट ये वैलिड डोजी मुझे लग नहीं है, क्योंकि जो जो बॉडी का साइज होता है वो उसके 3 टाइम्स विक का साइज होना चाहिए, बट यहाँ पे 3 टाइम्स विक का साइज मुझे लग नहीं रहा है। हाँ है नहीं, तो वैलिड डोजी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो प्राइस एक्शन में कई बार इसलिए थोड़ा डाउटफुल होता है। प्लस नेक्स्ट वीक जेपीवाई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, प्लस बीओजे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। सो नेक्स्ट वीक हमारे पास ये जो लेवल, इतने दिन से मैं बोल रहा हूँ, हमें नेक्स्ट वीक शायद दिख जाए। इट कुड बी पॉसिबल कि बीओजे की फाइनेंस मीटिंग के बाद मार्केट हमें नीचे जाते हुए दिखे, और वो लोग येन को स्ट्रॉन्ग करें। सो वही लेवल है हमारे पास जो अब न्यू हाई बनाया 150.814 का, और जो हमारे पास सपोर्ट है, सपोर्ट तो खैर इसमें है नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस में ही खड़ी है मार्केट। तो ये रहा नैसडेक का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है। लास्ट वीक मैंने वो लेवल बताया था 14,200 लेवल का, उसके बाद 13,798 लेवल का बताया था।
मार्केट ने सक्सेसफुली इस लेवल को टेस्ट कर लिया है, और ओपनिंग से पहले मार्केट ने रिटेस्ट किया था, और रिटेस्टिंग जो चली थी 14,748 तक गई थी। अब मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट अभी 6 रेंज में आ रही है, मार्केट अभी कंटिन्यू मूव कर रहेगी 13,800 की तरफ। उसके बाद अगर मार्केट में बेयरिश प्रेशर ज़्यादा बनता है तो हमें मार्केट 12,900 की तरफ भी जाते हुए दिख सकती है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम की जगह हम लोग डेली टाइम फ्रेम में चेक करेंगे तो एक चीज़ देखिए वो है ये, इसमें भी देखें तो एक हमें पेनेंट बनता हुआ नज़र आ रहा है, और पेनेंट में मार्केट अगर इसके नीचे ब्रेकआउट दे देती है तो हम लोग नीचे मार्केट को और जाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लोअर हाइज बनते आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 बार इस ट्रेंड लाइन को सब एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच कर दिया है, तो मार्केट पॉसिबली आने वाले दिनों में यहाँ पे रिटेस्ट करने जाए 580 के लेवल तक, देन वहाँ से अगर नीचे जाना होगा मार्केट को तो यहाँ इस लेवल जो लेवल है 13,950 लेवल को की तरफ ब्रेकआउट दे देगी, और नीचे डेली कैंडल हमारी क्लोज होगी, देन उसके नीचे हम लोग कंफर्मेशन का वेट करेंगे, उसके बाद नीचे हमारे पास ये दो लेवल्स होंगे। सो ये थी ओवरऑल वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जो भी फॉल्ट्स हैं इस वीडियोस में या फिर कोई फीडबैक देना हो तो ज़रूर कमेंट करें। और अगर नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सो कुछ इंपॉर्टेंट मेरे को लगा कुछ भी अपलोड करना है तो मैं शॉर्ट के थ्रू आपको अपडेट करता रहूँगा। सो शॉर्ट्स के लिए भी फॉलो करें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, इंस्टा पे फॉलो करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक, तब तक ले गुड बाय, स्टे अपडेटेड।